अब हम ये ट्विटर वाला बटन स्टाइल करेंगे। ट्विटर वाले बटन में सबसे पहले हमें ट्विटर का आइकन ऐड करना है। तो आइकन ऐड करने के लिए हम फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे। फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर डिफरेंट आइकन्स होते हैं। तो हम सिंपली फॉन्ट ऑसम गूगल पे लिखेंगे। अब इसके अंदर हम फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। अब फॉन्ट ऑसम के थ्रू फॉन्ट्स डालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा गूगल फॉन्ट्स के थ्रू हम फॉन्ट्स डालते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स के अंदर कोई भी फॉन्ट डालने के लिए सबसे पहले हम एक लिंक का टैग कॉपी करते हैं और हेड के अंदर पेस्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह फॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग फ्री पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लिंक टैग होगा जो हमें कॉपी करके अपने हेड टैग के अंदर पेस्ट करना होगा। और इसका रीज़न ये है कि हमें अपने HTML पेज को बताना है कि जो भी हम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। वो फॉन्ट कहीं पे हमारी इमेजेस के फोल्डर के अंदर तो नहीं है, हमारे पास लोकली वो फॉन्ट डाउनलोड तो नहीं हुआ, तो इसलिए हमें वो फॉन्ट यहाँ पे लिंक करना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे लिंक नहीं करेंगे तो वो फॉन्ट्स तो वो आइकन्स हमारे पेज पे शो नहीं होंगे। अब ये वाला लिंक कॉपी करने के बाद हम आइकन्स के टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना आइकन सर्च करेंगे। तो आपको जब ट्विटर का आइकन मिल जाएगा तो उसके अंदर आप स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला HTML का कोड कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करें तो हमारे पास सिंपल एक आई टैग है, आई का मतलब है आइकन, और उसके ऊपर एक क्लास अप्लाई हुई हुई है फैब एंड एफ ए ट्विटर। तो ये वाली HTML हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इस बटन के अंदर हमने पहले ट्विटर लिखा था, ट्विटर की जगह हम यहाँ पे ये वाला आइकन पेस्ट कर देंगे। अब जब हम अपना वेब पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये ट्विटर का आइकन यहाँ पे मौजूद होगा। अगर मैं ये लिंक टैग जो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था इसको मैं रिमूव कर दूँ और फिर इसको सेव करके अपना वेब पेज रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारा आइकन शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे वेब पेज को नहीं पता कि ये जो FAB और FA ट्विटर की क्लासेस हैं ये कहाँ पे हैं। ये क्लासेस हमने यहाँ पे अपनी style.css के अंदर तो नहीं बताई हुई, तो ये क्लासेस कहाँ से आ रही हैं। ये क्लासेस आ रही हैं उस लिंक टैग से जो अभी हमने फॉन्ट ऑसम से कॉपी किया था। अब उसके बाद हम अपना मॉकअप खोल के देखते हैं। मॉकअप के अंदर इस बटन का बैकग्राउंड कलर है वाइट और इसका फॉन्ट कलर और इसका बॉर्डर कलर है ब्लू। उसके अलावा इसके बॉर्डर रेडियस की भी कोई वैल्यू सेट हुई हुई है क्योंकि ये एक राउंड बटन है। तो मैं अपना मॉकअप गूगल क्रोम के अंदर ओपन करूंगी और कलर पिकर ओपन करके ये वाला कलर कॉपी कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इस वाले बटन को एक आईडी दूंगी, ट्विटर बटन। उसके बाद ये वाली आईडी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, ट्विटर बटन, और इसके अंदर मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगी वाइट। इसको फॉन्ट कलर दूंगी जो अभी मैंने कॉपी किया था वो, और बॉर्डर कलर दूंगी और बॉर्डर इसको दे दूंगी 2 pixels सॉलिड ब्लू। उसके अलावा मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगी कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू क्योंकि ये परफेक्ट सर्कल है, तो मैं इसको 50 pixels या जो भी आप वैल्यू से देना चाहें दे सकते हैं। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे मेरा ये वाला बटन क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये परफेक्ट सर्कल नहीं है। प्लस इस आइकन और इस बॉर्डर के दरमियान स्पेस भी कम है, तो सबसे पहले तो ये स्पेस बढ़ाने के लिए मैं यूज़ करूँगी पैडिंग, क्योंकि मुझे पता है कि बॉक्स मॉडल के अंदर
कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का स्पेस पैडिंग होता है। तो यहाँ पे मैं इसे दूंगी पैडिंग, हम पहले ट्विटर का बटन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसे दूंगी पैडिंग 10 pixels। तो अभी इसे पैडिंग 10 pixels देने पे ये ओवल शेप का हो रहा है, परफेक्ट सर्कल नहीं है। तो मैं इसकी पैडिंग और बढ़ाऊंगी, अभी भी ये ओवल शेप नज़र आ रही है। तो आई थिंक इसके लेफ्ट और राइट पे पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि ये ओवल नज़र ना आए। तो इसको मैं यहाँ पे 10 pixels ही रखूँगी और यहाँ पे मैं इसको 12 pixels दे दूँगी। तो अब ये वाला बटन एक परफेक्ट सर्कल हो चुका है। ये वाली पैडिंग की वैल्यू मैं कॉपी कर लूँगी और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ये आइकन थोड़ा सा स्मॉल है तो इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ। इसको मैं फॉन्ट साइज दूंगी 1.2 em और इसी हिसाब से इसकी पैडिंग मैं थोड़ी सी एडजस्ट करूँगी, तो इसको मैं 13 pixels कर देती हूँ। ये वाले साइज मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी।